मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी जानकारी जो आप सबके पास होनी चाहिए। दोस्तों आज के आज अभी कुछ ही दिनों पहले, आज शायद 2 दिन पहले चंद्रयान 3 अपने मकसद में कामयाब हो गया और इस बात की हमें भी बहुत खुशी है और जो लोग पूरे भारतवर्ष में, सबको बहुत ज़्यादा खुशी है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हो गया। काफ़ी दिनों से इस बारे में लोग सोच रहे थे, बातें कर रहे थे और काफ़ी दिनों से हम लोग इस बारे में यही चिंतित थे कि कब हमें ये दिन देखने को मिलेगा, कब हमें खुशी मिलेगी कि यार वो दिन कब आएगा जब हमारे सामने ये खुशी का पल आएगा। और दोस्तों आज ये खुशी का पल आ चुका है और आज बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे आपने देखे होंगे सेलिब्रेट करते हुए, नाचते गाते हुए, दिवाली मनाते हुए, रंग मनाते हुए, लेकिन जो असली खुशी है वो मिली है हमारे भारत को, आम इंसान को और 16,000 वैज्ञानिकों को जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगाकर अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम किया है और आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया और आज ये चंद्रयान 3 अपने मकसद में कामयाब हुआ है। ये पूरे भारत 140 करोड़ लोगों के अंदर 140 करोड़ लोगों की दुआएं और आशीर्वाद। तो बस मैंने आज जो भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो सारी बातें इसी चंद्रयान से रिलेटेड होने वाली। तो सबसे पहली बात तो ये कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तब एक दिल में ऐसी खुशी महसूस थी, एक दिल में एक डर था कि ये पहुँचेगा और जिस दिन ये पहुँचेगा उस दिन कितनी ज़्यादा खुशी होगी, कितना ज़्यादा हमको सुकून मिलेगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे भारत में इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर कि आप सारे दुखों को भूल गए हैं, सारे गमों को भूल गए हैं और आज खुशी है कि हमारा देश एक ऐसे राष्ट्र के लहर एक ऐसा देश बन गया है जो किसी से कम नहीं है और ये साबित कर दिया है जो पागे में किसी से कम नहीं है। तब तक हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि चंद्रयान मामा है, चंद्रयान मामा, आज हर देश जहाँ तक पहुँच चुका है और वहाँ पर खोजें है। तो ये बड़े गर्व की बात है हमारे देशवासियों के, सबके लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, हमारे भारत से प्यार करते हैं, वो हमें इस तरह के बिना कभी ना जाए। दोस्तों अपने भारत माता के लिए एक सब्सक्राइब और एक शेयर, बस इस तरह धन्यवाद।